आज तो कोई बड़ी बात करनी है मुझे, आज तो कुछ अच्छा बोलना है मुझे। चालू है। नमस्कार दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर सुबह 9 बजे का वीडियो आपके सामने है, ये हम डे 6 में एंटर हो चुके हैं और मैं चाहता हूं कि आप शांति रखें। टोटल बिजनेस स्टडीज में चैप्टर है 12। आप क्या चाह रहे हो, मैं केस स्टडीज करा दूं? करा दूंगा, लेकिन क्या फायदा जब आपको मालूम ही नहीं है कि सर केस स्टडीज में लिखें क्या। इसलिए बोल रहा हूं, तुम लोग घबरा इसलिए रहे हो ना कि 20 डेज ऑफ प्लेज खत्म होने वाला है। कहां यार, अभी 6th डे में एंटर हुए हैं। बाबा जी पे भरोसा रखो, हर दिन रात काम कर रहे हैं, देख तो रहे हो यार, आपके सब सामने। अगर आप सुबह 9 बजे बैठे हमें देख रहे हो तो आपको मालूम है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो भरोसा रखो, अगली बार ये चीज नहीं होनी चाहिए सर केस स्टडीज का है। आएंगी, मैंने क्या बोला है, जब एक दिन केस स्टडी नहीं आ रही तो मतलब अगले दिन आ रही, क्योंकि बाबा जी को ये लगता है कि उनके बच्चों तक कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। आज का वीडियो उसी चीज के लिए है। आज हम इस वीडियो में सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में वो चीजें समझने वाले हैं जो हम एक्चुअल में मिस आउट करते हैं, और उसके बाद भर भर के केस स्टडीज करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। हाँ, मैंने यहां पे दो टॉपिक्स नहीं करवाए हैं, पहला फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीजें आप भी समझ सकते हो, और जब हमने उस पर केस स्टडीज देखी तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। वो आपका होमवर्क है कि वो आपको करना है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जो हम छोड़ दें। हमने पकड़ा क्या है यहाँ पे, साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर पकड़ा है हमने, प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर जो दिए हैं उन्होंने वो हमने लिया है, एंड फेओल के प्रिंसिपल्स लिए हैं जिसमें एक्चुअल कंफ्यूजन आपको आता है। हमने उसके नोट्स बनवाए हैं और वो आपके लिए यहाँ पे तैयार है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, आज का जो हमारा वीडियो है, दिस इज अ शाउट आउट टू मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, अनिल श्रीवास्तव, इशिता श्रीवास्तव, आकाश परमार, इन लोगों ने हमसे बोला कि सर एक काम कर दीजिए प्लीज, पहले फेओल के प्रिंसिपल से एक बार करा दीजिए। हमने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी टीम कॉमर्स बाबा के कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि पहले फेओल के प्रिंसिपल्स आने चाहिए, उस पर केस स्टडीज आनी चाहिए, तो बाबा जी तो आपके लिए हाजिर हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। माय नेम इज आशीष चौधरी, यू आर वॉचिंग कॉमर्स बाबा, लेट्स बिगिन। डू यू थिंक दिस इज योर टाइम? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, आज हमने बैठ के जो एनालिसिस किया, सुबह के 9 बज चुके हैं, जैसा कि बोल चुका हूं मैं कि आज हम डे 6 में एंटर हो गए, और यहां से एक्चुअल मेहनत चालू होती है जो कि हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर है। उससे बहुत सारे कमेंट्स आए, जैसा हमने बोला ना, हम डेली खुद को अपडेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इकट्ठे वीडियो रखे हुए हैं और चालू हो गए, नहीं। कमेंट्स को देखा, समझा कि आप लोग चाहते क्या हो और वही लेके आए। आज हम 14 प्रिंसिपल्स जो डिस्कस करेंगे, जो हम टेलर के प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे, जो बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ नहीं है, बातें कम काम ज्यादा है, यानी वो चीजें देखना जरूरी है जो एक्चुअल में आपके लिए हेल्पफुल है। केस स्टडीज पढ़नी है ना, केस स्टडीज करनी है ना, ये पर्टिकुलर पॉइंट्स बना लो इस चैप्टर के। जब केस स्टडी लेके आएंगे तो आई बेट एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको नहीं बनेगी। मैनेजमेंट चैप्टर भी है, उसके अंदर भी सेम यही करने वाले। चीजें वो याद करो जिनसे आप आसानी से केस स्टडीज को अटेम्प्ट कर सको। तो चलिए बिना बात के चालू करें। पहला, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर की एलिमेंट्स, अगर आपको केस स्टडी पढ़नी है तो देखो यार, याद तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्या याद करें सर, वो एलिमेंट्स बताओ बस, ठीक है। तो वर्क इनटू स्मॉलर टास्क, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब सीधा सीधा ये है कि वर्क जो है वो डिवाइड हो जाता है। डिवीजन है तो डिवाइड होगा किसमें, स्मॉलर टास्क में। यहां पर आपको जो चीज याद रखने लायक है वो है टास्क। सेकेंड, वर्क शुड बी असाइंड टू वन पर्सन। जो एक काम है वो आप एक ही इंसान को बिल्कुल अपॉइंट कर रहे हैं, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी काम के लिए, तो एक पर्सन एक काम के लिए। फाइनली पॉजिटिव क्या है इसके, आपका स्पेशलाइजेशन होता है, और दूसरा इंप्रूव होती है आपकी एफिशिएंसी। ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। इसका नेगेटिव क्या है, स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाता है और एफिशिएंसी में फॉल आता है। ये चीजें आपको इसके अंदर याद रखना जरूरी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। सेकंड आते हैं हम, सेकंड किस पे आएंगे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें याद रखने वाली बात क्या है जो कि जनरली हम मिस आउट कर देते हैं, अथॉरिटी का मतलब होता है पाथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब केस स्टडीज में अगर ये चीजें फ्लैश हो रही हैं कि भैया पार है सामने वाले के पास, और साथ साथ में उसके पास ऑब्लिगेशन भी है कि उसे टाइम पे कंप्लीट करना है टास्क को, तो ये पार्ट हो जाता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल का। हमने हंड्रेड्स केस स्टडी उठाई, उसमें से चीजें समझी, तब ये आपके सामने मटेरियल तैयार है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि डिसिप्लिन में क्या पूछते हैं। डिसिप्लिन जनरली है, जनरल रूल्स के बारे में अगर बोल दिया गया
तो डिसिप्लिन है, गाइडलाइंस के बारे में बोला गया तो डिसिप्लिन है, बेसिक रेगुलेशंस के बारे में बोला गया तो डिसिप्लिन है। यहां तक तो सबको समझ में आता है। मैं बताता हूं मिस आउट क्या करते हो आप मिस आउट करते हो ये चीज जो कि डिसिप्लिन का पार्ट है, और अधिकतर लोगों ने पिछले साल इसी चीज को लेकर गलती की थी कि व्हेन इट कम्स टू डिसिप्लिन इट ऑल्सो मींस कमिटमेंट इन एम्प्लॉइज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। कई केस स्टडीज ऐसी हैं जिसमें क्लियरली लिखा है कि ये कमिटमेंट है एम्प्लॉइज का ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। क्या होगा ये कंफ्यूज होगा, ये कौन सा प्रिंसिपल है भाई, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल आ गया, ये डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के अंदर फॉल होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वर्किंग चल सके। जल्दी से इसको लिख लो, आगे आता हूं बाकी की तीन प्रिंसिपल्स लेके। तो चलिए तीन हमने कर लिए, तीन में हमें क्या पता चल गया, शुरुआत के जो तीन प्रिंसिपल्स थे कि उनमें क्या की एलिमेंट्स याद रखने हैं। अब बाकी के तीन कर लेते हैं, उसके बाद बाकी भी बचे हुए सारे करने हैं, लेकिन चलो चालू करते हैं फोर्थ वाले से जो कि यूनिटी ऑफ कमांड है। ये कहता है वन सबॉर्डिनेट अंडर वन बॉस, एक एम्प्लॉय एक बॉस के अंदर काम करेगा। मतलब अगर आप किसी भी एम्प्लॉय की बात करेंगे तो उसका बॉस हमेशा एक होने चाहिए, बॉस चार नहीं होने चाहिए, वरना वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो पर्पस क्या हो गया, अवॉइड कंफ्यूजन। इस रिलेटेड केस स्टडीज के अंदर पूछा जा सकता है, जब मैं केस स्टडीज इसकी करवाने वाला हूं ना आगे, तो यही चीजें आपसे पूछी जाएंगी और आप इन्हीं से फिगर आउट करोगे कि किसका आंसर क्या है। तो पहली चीज तो हो गई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सको, ये आपका काम है। एक बॉस ने एक बंदे को बताया, उससे उसको यह चीज आसान हो गई कि उसे करना क्या है, क्योंकि एक ही बॉस है, कमांडिंग ऑफिसर एक ही है। देन क्लैरिटी ऑफ माइंड, सामने वाला क्लियर रहेगा, मुझे जो भी बात करनी है ये सामने वाले इस इंसान से बात करनी है। फाइनली फोकस, फोकस ये है इसका कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्कुल सीधा सच्चा काम हो, सिस्टमैटिक वर्किंग, इसको ये करना है, उसको वो करना है, उसको वो करना है, रिपोर्ट इस बॉस को करना है, खत्म कहानी। उसके बाद सेकंड आते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जनरली यहां पे कंफ्यूजन होता है, यहां पे क्या होता है वन सबॉर्डिनेट अंडर वन बॉस, यहां पे होता है वन यूनिट मींस वन प्लान। अगर एक पूरी टीम एक जगह काम कर रही है तो वो पर्टिकुलर एक प्लान पे ही काम करेगी, 10 प्लान पे काम नहीं करेगी। कहने का मतलब अगर हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल लेके चले तो उनको एक डायरेक्शन में बढ़ना है, सबके टारगेट अलग अलग नहीं होने चाहिए, सबका एक टारगेट होना चाहिए, डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉइज, एक प्लान की तरफ पूरा डायरेक्शन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन जो है आप उसको पूरा एक यूनिट कंसिडर करेंगे, अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन एक टारगेट लेके चल रहा है, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यहां क्लैश हो जाएगा। और ऐसी केस स्टडीज ही आती है, एक मैनेजर प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा काम कर रहा है, एक मैनेजर सेल्स के लिए ज्यादा काम कर रहा है, दोनों क्लैश हो रहे हैं, बिकॉज एक सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, दूसरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। ऐसे केस में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को अवॉइड किया जा रहा है। फाइनली की एलिमेंट्स क्या याद रखने, ये पूछा जाएगा, याद रखना कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पर्सनल्स, ये चीज इसके अंदर केस स्टडीज उठ के हमेशा आती है, तो ये चीज अच्छे से नोट कर लेना। फाइनली मूव ऑन करते हैं, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इसी को दूसरी तरीके से कैसे पूछते हैं। एक बंदा है, अपनी एक्सपेक्टेशंस रखता है, अपने लिए काम करता है, तो क्या उसको ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहिए, नहीं, इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर एक एम्प्लॉय काम करता है तो उसको पहले ऑर्गेनाइजेशन को रखना पड़ेगा, तब अपने आप को रखना पड़ेगा, इससे ज्यादा स्कोप नहीं है इसका, इसी के अंदर से पूछा जाएगा। नोट करिए, मैं वापस आ रहा हूं। चलिए भाई, तो फाइनली छह तैयार हो गई हैं, सेवेंथ एट नाइन्थ सिक्स आर कंप्लीट, नाउ वी आर गोइंग टू गो विद द सेवेंथ वन एंड दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्संस। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्संस में फेयॉल ये कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, आपसे क्या मांगा जाता है बोर्ड्स में, आप लिखें मस्ट बी पेड फेयरली और एडिक्वेटली, ये आपको स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, टू प्रोवाइड व्हाट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, किसको बेटा, एम्प्लॉइज को, यहां पर एम्प्लॉइज का सेटिस्फाई होना जरूरी है। इसलिए फेयॉल ने क्लियरली बोला है कि आप ये चीज ध्यान रखें कि रेम्यूनरेशन अगर दे रहे हैं तो उससे आपके एम्प्लॉइज जो है वो मैक्सिमम लेवल पे सेटिस्फाइड है। चलिए आइए वेस्ट ही करते हैं टाइम, हमारी एट प्रिंसिपल देखते हैं जिसके अंदर दो चीजें कवर अप हुई है, पहली चीज सेंट्रलाइजेशन और दूसरी चीज डिसेंट्रलाइजेशन। इसके अंदर दोनों एलिमेंट्स में क्या देखने वाला है वो हम यहां पे समझेंगे। सेंट्रलाइजेशन का मतलब अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल, अगर सिर्फ टॉप लेवल के पास अथॉरिटी है हर डिसीजन लेने की तो वो सेंट्रलाइजेशन है।
डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब अगर आप पूरी अथॉरिटी जो है वो अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हर काम के लिए एक मैनेजर है, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक एम्प्लॉई है, आप फाइनेंस देख लो, आप सेल्स देख लो, आप मार्केटिंग देख लो, ये क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो यहां पर आप फेयोल के नजरिए से देखिए, देखो ये तो सेंट्रलाइजेशन हो गया, ये यहां पे क्या याद रखोगे? इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मैं यहां पे फिर से बोल रहा हूं 14 प्रिंसिपल्स में सिर्फ वही चीज लिखवा रहा हूं जो आप मिस आउट करते हो लिखने में और मार्क्स लूज करते हो। यहां पे जब हमें पता चल गया कि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर इतना लिखना है, बाकी साम दाम दंड भेद आसपास तुम लगाते रहना, लेकिन अंदर कंटेंट इतना लिख देना। तो आगे क्या करना है? आगे फेयोल क्या सजेस्ट करते हैं? फेयोल ना सेंट्रलाइजेशन के फेवर में है पूरी तरीके से 100%, ना ही 100% डिसेंट्रलाइजेशन के फेवर में। वो तो कहते हैं कि इनका एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जान सकते कि कहां पे कब क्या जरूरत पड़ जाए। एक और चीज नोट करो आराम से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, सुबह का काम है, मुझे पॉज करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या लिखोगे? अगर स्मॉल स्केल फॉर्म की बात की जाए तो हैविली वी वर्क ऑन सेंट्रलाइजेशन, बिकॉज एक बंदा काम कर सकता है, बट थोड़ा बहुत काम वो डिसेंट्रलाइज भी कर सकता है, मतलब कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन तो वहां भी नहीं है। और जहां पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात आ जाती है वहां पे सेंट्रलाइजेशन तो वर्क कर ही नहीं सकता, तो वहां पे फुल फ्लेज्ड क्या हो जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन हाँ, स्टिल फॉर सर्टेन डिसीजंस देयर शुड बी सेंट्रलाइजेशन। तो ये चीज में फेयोल का सजेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंपॉर्टेंट है कि फेयोल क्या सोचते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन अगर आपसे पूछा जाएगा तो बिना इसके तो श्री गणेश करने ही मत। स्केलर चेन मतलब ये ग्राफ बनेगा ही बनेगा, ये चीज आपको बनानी है। सिंपल की स्केलर चेन क्या होती है? एक टॉप पे बैठा हुआ है, वो कमांड करेगा बाकी सबको, ये चीजें आपको दिखाना जरूरी है। अब सर स्केलर चेन में क्या याद रखें? स्केलर चेन जो होता है वो होती है लाइन ऑफ अथॉरिटी या फिर चेन ऑफ सुपीरियर्स। और ये चेन कैसे चलती है? हाइएस्ट टू लोएस्ट रैंक पे, मतलब जो टॉप पे बैठे हैं वो बंदे से लेके स्केलर चेन डाउन टुवर्ड्स द बॉटम लेवल जाती है, यानी लोएस्ट रैंकर्स तक। अब फेयोल का सजेशन, इसके अंदर भी फेयोल का सजेशन मैटर करता है क्योंकि केस स्टडी वहीं से आएगी। फेयोल क्या बोलते हैं? स्केलर चेन मस्ट बी फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिना स्केलर चेन के तो काम हो ही नहीं सकता है। ये चीज दिमाग में बिठा लो, अगर नहीं बिठाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैंने बोला है इस चैप्टर में इससे ज्यादा आएगा ही नहीं। केस स्टडीज भी बनेंगी, तो जो अपन ने लिखा है ना वो सारी चीजें कवर कर लेगा, शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ने वाले हैं। चलो जल्दी से लिखो, मैं वापस आ रहा हूं। चलिए आइए, बाकी की जो हमारे पास प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं ये कंपैरेटिवली बहुत छोटे लेवल पे कंटेंट रखते हैं अपने अंदर, और इसी में से पूछा जाता है। ये उनकी जिस्ट है जो एक्चुअल में आपको बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प करेगी, जैसे कि 10th प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये बोलता है कि सब चीजों की और हर इंसान की अपनी जगह होनी चाहिए, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटीरियल। कहीं पे भी ये रिफ्लेक्ट हो जाए केस स्टडीज में, समझ में आ जाना चाहिए। कुछ तो याद करना पड़ेगा बिजनेस स्टडीज में। बिजनेस स्टडीज में मार्क्स क्यों नहीं आते? क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज नहीं लिखते हैं। ये है टेक्निकल लैंग्वेज, इसके आगे पीछे राम कहानी, रामायण, महाभारत जो लिखनी है लिखो, लेकिन ये चीज उसके अंदर होनी चाहिए। क्या बोला गया? फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। या तो ये यूज करेंगे केस स्टडी में, या तो ये यूज करेंगे और आप पकड़ लोगे ऐसे। चलो नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्विटी पे। प्रिंसिपल ऑफ एक्विटी सेज दैट देयर शुड बी काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। दैट मींस कोई एम्प्लॉय छोटा या कोई एम्प्लॉय बड़ा नहीं होता, वेदर इट इज अ माइनर वर्किंग स्टाफ, फॉर एग्जांपल प्यून और लेबर्स वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, दे शुड बी पेड एंड दे शुड बी एक्चुअली ट्रीटेड फेयरली। कहने का मतलब, मैं वापस से पेड मैंने इसलिए बोला है कि उनके अकॉर्डिंग्स में उनको वो पेमेंट भी मिलनी चाहिए, बट यहाँ पे सेंस क्या है वो सुन लो, कि यहाँ पर इट इज नॉट द मैटर ऑफ सैलरी, इट इज द मैटर ऑफ रूल्स। अगर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे रूल लग रहा है तो वो चीज सेम रूल एम्प्लॉयज पे, लेबर पे और जो भी वर्क कर रहे हैं सब पे इक्वली लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लेबर के लिए वो रूल है तो बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए वो रूल नहीं है। इट शुड बी जस्ट एंड फेयर, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये फेयोल एम्फसाइज करते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा।
चलिए ये दो कर लिए, नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम हमारे थर्ड पे, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, यानी आप किसी भी एम्प्लॉय को गलती से भी रेगुलर बेसिस पे ऐसा ना सोचे कि हम तो आज एक एम्प्लॉय को निकाल देंगे, हम तो कल एक एम्प्लॉय को निकाल देंगे और उसके अंदर वो डर बैठा रहे। यू शुड नॉट टर्मिनेट और ट्रांसफर एनी ऑफ योर एम्प्लॉय ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस, यानी जल्दबाजी में, रोजमर्रा में, रेगुलर बेसिस पे ऐसा मत करिए अपने एम्प्लॉय के साथ। एंड ये जो पूछा जाएगा वो ये है यार, जॉब सेटिस्फेक्शन वाला कौन सा प्रिंसिपल है? ये प्रिंसिपल है वो कि हर एम्प्लॉय के पास अपना जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तभी इतना बोल्ड बोल्ड लिखा गया है ताकि आप इस चीज को याद रख सको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब है दैट इज अ बूस्टर, जैसे मैंने लिखा भी है, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। आपको एम्प्लॉयज को वो स्पेस देना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को भी मोटिवेट कर सके कुछ इनिशिएटिव लेके ऑर्गेनाइजेशन में। जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले, उनको उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि वो इनिशिएटिव ले। द सजेशंस एंड आइडियाज फ्रॉम द एम्प्लॉयज, सीधी बात है, आपको एम्प्लॉयज से आइडियाज और सजेशन लेने पड़ेंगे एज अ मैनेजर, सो दैट वो भी अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट समझे। लास्ट चीज आपसे पूछ सकते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन किसके अंदर बोला गया है प्रिंसिपल, तो दैट इज इनिशिएटिव, ये चीज याद रखने वाली है। लास्टली स्पिरिट डी कॉर्प्स, स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या हुआ? यू ऑल शुड वर्क एज अ टीम मेंबर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, हाँ वो ये होता है, वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स वन गोल। स्पिरिट डी कॉर्प्स कहता है अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई, मैं कुछ नहीं हूं हम सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं हम टीम कॉमर्स बाबा सब कुछ है। That should be the spirit. ये spirit होनी चाहिए कि management should promote team spirit. हम सब मिलके काम करेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं, और यही चीज Fayol के last principle में बोली गई है, इस पे case study बनती है। ठीक है, समझ में आ गया, note down करो, आगे topic पे बढ़ते हैं। चलिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डेवलप्ड बाय एफडब्ल्यू टेलर जो है उसको एक बार और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि इससे कौन सी केस स्टडी उठ के आ सकती है। तो सबसे पहले साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, यहां पर जब भी साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब बोला जाएगा आपको ये चीज जरूर लिखनी है। टेलर इंसिस्ट, यहाँ पे इस चीज के मार्क्स होते हैं अगर कोई केस स्टडी इससे रिलेटेड आती है। हमने पूरी कोशिश की है कि जब हमने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ Fayol बताए थे तो जब इसके पॉइंट्स लिख रहे हो तो हम उसे बिल्कुल ही अलग बताएं टेलर के प्रिंसिपल्स के पॉइंट, सो दैट वो मैच ना करें और आपकी तैयारी 100% हो। Fayol एकदम अलग लैंग्वेज, टेलर एकदम अलग लैंग्वेज। जैसे टेलर ने इंसिस्ट क्या किया, ईच जॉब शुड बी, हर एक जॉब क्या होगा, साइंटिफिक होगा, इंट्यूशन पे बेस्ड नहीं होगा, एक्सपीरियंस पे बेस्ड भी नहीं होगा। जो सिचुएशन है उसको साइंटिफिकली एनालाइज करो, एक्सपीरियंस चाहे लगे चाहे ना लगे, डजंट मैटर, डोंट केयर। फिर हिट्स और मिसेस पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि करके देख लो, हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं, ठीक है चलता है, नहीं भाई ऐसा नहीं करोगे। फिर टू सब्स्टिट्यूट द रूल ऑफ थंब, एक रूल ऑफ थंब चला है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, उसी चीज को चेंज करने के लिए यहां पे जरूरी है कि आप क्या करें, साइंस को अप्लाई करें, रूल ऑफ थंब को अप्लाई ना करें। नेक्स्ट आते हैं हम अपने हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड पे। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में बोला गया म्यूचुअल गिव एंड टेक रिलेशनशिप होना चाहिए एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मतलब अगर हार्मनी है एम्प्लॉयज के बीच में, ऐसा नहीं है कि मैनेजर अलग है, मैनेजमेंट अलग है, स्टाफ अलग है, एक हार्मनी, एक पीसफुल एनवायरमेंट होना चाहिए और तभी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इनकलकेट होती है मेंबर्स में। यहां पर एक बहुत ही बड़ी चीज को डिस्टिंक्शन के तौर पे दिखाया गया है और वही आपको केस स्टडी समझने के लिए काम आएगा, और वो ये है, सुनना केस स्टडी क्या बनती है। मैनेजमेंट और वर्कर्स में जनरली कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है और ये कॉन्फ्लिक्ट जो होती है इसकी वजह से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है। ये किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल से रिलेटेड है? जब भी मैनेजमेंट और वर्कर को लेके कोई क्वेश्चन आएगा तो वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और इसको नाम देते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। ये चीज आपको ध्यान रखने की है और यही चीज इस केस स्टडी से उठ के आती है जो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के ऊपर है। फाइनली आते हैं कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसका मतलब क्या होता है? जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो यू कैन नॉट बी स्पेसिफिक के नहीं मैं जो काम कर रहा हूं वो सही है, ध्यान से सुनना। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म, इसमें जो बोला गया वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को एक्सटेंड कर दिया गया। यू डोंट हैव टू वर्क इंडिविजुअली, यू हैव टू कोऑपरेट। जब इसने बोला गया तो यहां पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सटेंशन बताओ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का, वो इसके बारे में बात कर रहे होंगे। ये पॉइंट इससे पूछे जा सकते हैं। वर्क शुड बी कैरिड आउट विद सब, नंबर वन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस,
दोनों को एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए, फिर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। इसकी हिंट बहुत आसानी से कैसे मिलती है, हमें वहां पे पता चल गया स्प्रिट दी कॉप, टीम स्प्रिट है। फेयोल बोलता है यहाँ पे बस थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे मेनली जब केस स्टडीज बनती है तो वो बनती है म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, हाउ मच यू कैन ट्रस्ट ईच अदर, वेदर द मैनेजर कैन एक्चुअली ट्रस्ट हिज स्टाफ। फिर से बोल रहा हूं, यहीं पे डिफरेंस आ जाता है, जब मैनेजर स्टाफ को ट्रस्ट करने लगे, यहां पे कोऑपरेशन की बात चल रही है, इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं चल रही है। अगर क्वेश्चन बहुत बेसिक सा ये आता है कि ऑल शुड वर्क टुगेदर एज अ टीम, स्पिरिट दी कॉप फेयोल में चले जाओगे। फाइनली डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, वर्कर्स की जो एक्चुअल में ग्रोथ है वो दिखनी चाहिए। फिर से आ जाते हैं टेलर इंसिस्ट पे, टेलर इंसिस्ट करते हैं कि ड्यू केयर शुड बी गिवन। किस किस चीज को ड्यू केयर देनी है, देखो कई बार लगता है और मैंने काफी बच्चों को गलती करते देखा है कि जब कोई ऐसी चीज आ जाती है दे फेल टू अप्लाई द प्रिंसिपल, बिकॉज वो समझ ही नहीं पाते स्टाफिंग में कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, क्योंकि यहां पे वो डिस्कस करते हैं आप सिलेक्ट करो एम्प्लॉयज को और उनको जॉब असाइन करो, कैसे, प्रॉपर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनको प्रॉपरली डेवलप करो, इनकल्केट करो, उनको एक्सपीरियंस दो, सो दैट दे कैन जनरेट न्यू आइडियाज, बिकॉज दे आर गेटिंग मैच्योर एंड मैच्योर एंड मैच्योर डे बाय डे। और फाइनली उनको रेगुलर बेसिस पे, टाइम टू टाइम बेसिस पे ट्रेन करो। ये चीज आती है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। जल्दी से नोट कर लो फटाफट, लास्ट टॉपिक निपटाते हैं। फाइनली हम एंटर हो जाते हैं साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर पे। अब अगर इसके अंदर याद रखना है तो क्या क्या चीजें याद रखनी है, सबसे पहले फंक्शनल फोरमैनशिप, मतलब हमें इसके अंदर ये याद रखना है कि जो फैक्ट्री है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, एक हो गया आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा हो गया आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये किया क्यों जाता है, टेलर इंसिस्ट करते हुए बोलते हैं कि इससे स्पेशलाइजेशन आता है प्रोडक्टिविटी में, क्योंकि टेलर ने यहां पे स्ट्रेस आउट करके बोला था कि अगर आप लोअर लेवल बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जाके काम करवाना चाहते हो तो आप एक फोरमैन से काम नहीं करवा सकते हो, आपको कम से कम मिनिमम ऑफ 8 फोरमैन रखने पड़ेंगे तभी आप उनसे काम करवा पाओगे, अदरवाइज आपके लिए काम करवाना फंक्शनल फोरमैनशिप जो होता है, फोरमैन जो आप रखते हैं अकेला इंडिविजुअल रहेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। ये पहले पॉइंट का जिस्ट है। अब आप रूट क्लर्क ये सब चीजें इसके अंदर याद करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन यहां पे आप केस स्टडी आइडेंटिफाई कर लेंगे, यहां पे वो की एलिमेंट्स लिख देंगे, आगे आपका काम है कि आप इसको और कितना इलैबोरेट करना चाहते हैं। चलिए सेकंड आ जाते हैं। सेकंड बोला गया स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, अपना काम स्टैंडर्ड बेसिस पे रखो, सिंप्लीफाई करके रखो। स्टैंडर्ड और सिंप्लीफाइंग का मतलब सीधे सीधे ये है, सिंप्लीफिकेशन मतलब व्हाट आर द सिलेक्शन ऑफ टूल्स, विच काइंड ऑफ मशीनरीज यू आर यूजिंग, विच काइंड ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ये सब चीजें आप कौन सी यूज कर रहे हैं, फिर क्या आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, क्या वेट्स हैं, क्या टाइप्स हैं, क्या साइजेस हैं। आसानी से जो भी काम कर रहे हैं उन्हें कैटेगराइज कर ले, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। मतलब फैक्ट्री लेवल पे जो भी काम हो रहा है वो स्टैंडर्डाइज हो जाना चाहिए, सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए, ताकि हमें हर चीज के बारे में पता हो कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग आउट। फाइनली फटीग स्टडी, फटीग का मतलब होता है थकान हो जाना। नाउ फटीग स्टडी के बारे में जब बोला जाता है तो वी हैव टू डिस्कस द टू पॉइंट्स, ये इसके अंदर लिख दो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। पहला आपको इसके अंदर स्टडी करना पड़ता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स कितने होने चाहिए, यानी क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए, 4, 5, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये चीज। दूसरा द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, जो एम्प्लॉयज जो वर्कर्स सब काम कर रहे हैं उन्हें एक्चुअल में कितने इंटरवल्स मिलने चाहिए, 3, 4, 5 बार उन्हें जो रेस्ट इंटरवल्स है वो मिलने चाहिए, या फिर उन्हें एक से ही काम चल जाएगा, दो से ही काम चल जाएगा। तो दो चीजें हैं, पहला ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और उसके बाद दूसरा कितने सारे आपको रेस्ट इंटरवल्स इसके अंदर मिल सकते हैं, ये चीजें आपको इसके अंदर मेंशन करनी है। चलिए मैं आगे करवाता हूं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, मुझे करिएगा पॉज जैसे ही मैं निकल जाऊं, आपके लिए ये नोट्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप केस स्टडीज करना चाहते हो कर लो नोट डाउन। चलिए आगे करते हैं, जो टेक्निक्स हमारे पास हैं, सबसे पहले उसके बाद आता है जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, वो है मेथड स्टडी। ये एक ऐसा मेथड है जो हमें ये बताता है व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब। ये चीज इसके अंदर की एलिमेंट है, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, दिस इज अ पार्ट ऑफ मेथड स्टडी। लेकिन मेथड स्टडी कहां पर डिस्टिंग्विश हो जाता है, यहां पर कि वो ये बताता है
What is the actual methodology of doing a job? मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं अभी एक और पर्टिकुलर पॉइंट पे आने वाला हूं. तो मेथड स्टडी में क्या सीखा? We will try to figure out which is the best possible method of doing a job so that हम क्या कर सकें, अपने resources को maximum level पे use कर सकें और cost हमारी minimum रहे. फिर आता है time study. इसके अंदर ये चीजें तो हो गई हमारी केस स्टडी के हिसाब से, ये चीजें हमें इसमें रखना है याद. स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब. टाइम स्टडी क्या बताता है? पहली चीज, कौन सा जॉब कितने स्टैंडर्ड टाइम में होगा. दूसरी चीज, सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स. वर्कर्स को ये स्टैंडर्ड्स बता देना कि आपको ये स्पेसिफिक जॉब इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर या इस पर्टिकुलर तरीके से कंप्लीट करना है. नंबर ऑफ वर्कर्स, नाउ डिसाइड करना कि कौन वर्कर्स हैं, जितने वर्कर्स हैं उनको इक्वली एफिशिएंटली किस तरीके से जॉब जो है, टास्क जो है, सुनना मेरी बात, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम दे है, जितना उनके पास समय है प्लस जितना वो काम कर रहे हैं उसको इक्वली उनके एक्चुअल कैपेबिलिटी के हिसाब से डिवाइड करना. फाइनली कैटेगराइजिंग वर्कर्स एज एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट. आप फाइनली जब वर्कर्स के लिए एक स्टैंडर्ड टाइमिंग रख देंगे, इतने टाइम में इतना काम होना चाहिए, आपको ऑटोमेटिकली एफिशिएंट इनएफिशिएंट वर्कर्स मिल जाएंगे. ये आपकी टाइम स्टडी से फायदा है, आपको पता चलेगा कि कौन से वर्कर्स आपके लिए अच्छे से काम कर रहे हैं, कौन से वर्कर्स नहीं कर रहे हैं. फिर फाइनली आते हैं हम मोशन स्टडी पे. मोशन का मतलब होता है हाउ मच एक्ट यू नीड टू डू अ जॉब. कई बार किसी वर्कर से इक्विपमेंट्स कुछ ज्यादा ही दूर रखे हुए हैं, उसे बार बार जाना पड़ता है, बार बार इक्विपमेंट्स लेके आना पड़ता है, उसका बहुत टाइम वेस्ट होता है. दैट इज ऑल अबाउट द मोशन स्टडी, टू एक्चुअली नो कितना चलना फिरना मूवमेंट्स वगैरह जरूरी है. पहली चीज, डिटरमाइन मूवमेंट ऑफ द वर्कर्स, मूव कितना करना जरूरी है वर्कर्स को. नेक्स्ट, कौन से मूवमेंट्स प्रोडक्टिव है, कौन से मूवमेंट्स अनप्रोडक्टिव है. क्या वर्कर किसी दूसरे से जस्ट यूं ही बात करने अभी चला जाता है, तो उन दो वर्कर्स को सेपरेटली काम करने दो. वर्कर को एक ऐसा एनवायरमेंट दो जहां पे वो काम ही करे, कोई और काम ना करे. में भी हो सकता है, जैसा मैंने बताया, वर्कर को दूर जाके चीजें उठानी पड़ती हैं, वो भी नहीं होना चाहिए. वेस्टफुल मूवमेंट्स जो है, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव, उनको डिस्टिंग्विश करिए. यहां पे यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज प्रोडक्टिव मूवमेंट, काम करने लायक चीजें करना है, व्हाट इज अनप्रोडक्टिव मूवमेंट. फाइनली जो भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उनको कट ऑफ कर दो कि ये चीजें करनी ही नहीं है आपको एज अ वर्कर. फिर डिजाइनिंग सूटेबल इक्विपमेंट्स. अगर आपको लगता है कि कोई वर्कर, क्योंकि उसे मूवमेंट्स जो कर रहा है वो उसके कारण बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, आप उसके लिए ऐसे इक्विपमेंट्स डिजाइन करें जिससे उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो और बिना बात का जो मोशन हो रहा है वो कम हो. फाइनली वर्क स्टडी. मैंने आपको बोला था मेथड स्टडी और वर्क स्टडी कहीं ना कहीं मिलेंगे. मैं बोला था ना एक और पॉइंट जो है ये मैक्सिमम प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट बताता है, लेकिन वर्क स्टडी में केस स्टडी जब पूछी जाती है, बताइए ऐसी कौन सी स्टडी है जो टाइम मोशन मेथड और फटीग स्टडी का कॉम्बिनेशन है, दैट इज वर्क स्टडी. मेथडोलॉजी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द वर्क स्टडी. मतलब ये अगर इस चीज को बताती है तो ये है नैरो कंसेप्ट, ये है वाइडर कंसेप्ट. वर्क कल्चर पूरा ये डिफाइन करता है, मेथड स्टडी तो उसका जस्ट एक पार्ट है. तो जब हम एक कोई पर्टिकुलर तरीका चूज करते हैं तो दैट इज मेथड स्टडी, लेकिन जब हम ओवरऑल स्टडी करते हैं तो दैट इज वर्क स्टडी. आते हैं हम हमारे सेकंड लास्ट पॉइंट पे, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. ये क्या बताता है कि यू हैव टू पे डिफरेंट वेजेस टू डिफरेंट वर्कर्स. वर्कर जैसा काम करे उस हिसाब के उसको पीस वेज दे दो, मतलब उसके हिसाब से उसे वेजेस दो. यानी इनएफिशिएंट को आप कम वेजेस दो, एफिशिएंट को आप ज्यादा वेजेस दो. इनएफिशिएंट एफिशिएंट कैसे पता चलेगा? जैसा मैंने आपको बता दिया, आप टाइम स्टडी करो, आपके पास ऑटोमेटिकली निकल आएंगे कि कौन वर्कर कितने टाइम में क्या कर रहा है. इससे क्या होगा, जब आप पेमेंट दोगे वर्कर्स को जितनी यूनिट्स वो मैन्युफैक्चर करें, कोई 50 यूनिट मैन्युफैक्चर करता है, 50 × 10 दे दो 500 रुपए, 50 × 10 रुपए 500 रुपए से दे दो. जो 40 करता है 40 × 10 400 रुपए. ऐसे में क्या होगा, जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो एनकरेज हो जाते हैं कि भैया अगर मैं ज्यादा काम करूंगा तो मुझे और ज्यादा वेजेस मिलेंगी. और जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं वो नेगेटिवली मोटिवेट होते हैं कि भैया मैं अपना नुकसान तो खुद ही करा रहा हूं, अगर मैं ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा तो मेरी जो अर्निंग है वो भी ज्यादा होगी. ये इसका पर्टिकुलर इंपैक्ट है. आइए लास्ट मेंटल रिवॉल्यूशन और कर लेते हैं. चलिए आइए फाइनल मेंटल रिवॉल्यूशन याद कर लेते हैं. और इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि कई बार बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन आने के बाद भी, क्योंकि गलत लिख के आते हैं, जो पूछा गया है वो नहीं लिख के आते, इसलिए गलती कर देते हैं. तो क्या याद रखना है, ये चार पॉइंट जैसे मैंने लिखे हैं, फटाफट ये अगर नोट डाउन कर लोगे यहीं पर मुझे पॉज करके तो आपको सब समझ में आ जाएगा. अब मैं दे रहा हूं एक्सप्लेनेशन. मेंटल रिवॉल्यूशन बोलता है कि चेंज इन मेंटल एटीट्यूड. जो भी मेंटल एटीट्यूड है, जो भी परसेप्शन है, माइंडसेट है वर्कर्स का,
वो मैनेजमेंट का दोनों एक दूसरे के लिए चेंज करें। फिर क्या होगा, उससे कोऑपरेशन होगा मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। मैनेजमेंट टू अडैप्ट सिस्टमैटिक थिंकिंग, मैनेजमेंट जो है लॉजिकल सोचे, सिस्टमैटिकली सोचे, वर्कर्स को बेनिफिट दे, वर्कर्स मैनेजमेंट को बेनिफिट देंगे। वर्कर्स के हिसाब से क्या बोला गया, टू रूल आउट द फीलिंग ऑफ सस्पिशन एंड प्रेजुडिस, यानी वर्कर्स को बोला गया कि वर्कर्स आप सस्पिशन ना रखें किसी चीज का, किसी चीज की हीन भावना ना रखें, प्रेजुडिस ना रखें, कहीं से कोई भी चीज, जैसे हिंदी में टिपिकल बोलते ना खुन्नस, वो चीजें नहीं होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू मेंटल रिवॉल्यूशन। बोला जाता है कि वर्कर्स मैनेजमेंट को ऐसा ना सोचे कि ये तो हिटलर है, और मैनेजमेंट ये ना सोचे कि ये तो लेबर है। दोनों एक दूसरे को इक्वली इंपॉर्टेंट माने, तब जाके वो मानसिक क्रांति आएगी, मेंटल रेवोल्यूशन आएगा, तभी दोनों मिलके साथ में काम करेंगे। फाइनली करिए आप इसको, अगर अभी भी नोट डाउन नहीं किया है तो चलिए। तो फाइनली दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने कोशिश की है कि जो भी चीजें केस स्टडी के अंदर थी वो आपके लिए सारी हम लेके आ जाएं। आप इसके नोट्स बना चुके होंगे, और जैसा प्रॉमिस किया है, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आपका सिर्फ एक ही काम है, टीम कॉमर्स बाबा के इंस्टाग्राम पेज पे आपको हमें डीएम करना है और वो फोटो सेंड करनी है जिनके आप नोट्स बना रहे हैं। तो तब तक के लिए मालूम है, बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।